हेलो फ्रेंड्स, सीमा स्मार्ट किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की एक डिश। इस डिश के बिना महाराष्ट्र के मेहमानों का सत्कार ही पूरा नहीं होता है। इसे मैंने शाही अंदाज में बनाया है। आइए बनाते हैं शाही पूरन। 1 कप चना दाल, 1 चम्मच चावल, इन दोनों चीजों को धो के 6 घंटे के लिए भिगा लीजिए। एक कप चीनी और 5-6 इलायची, जिसे कि हमने पीसना है। 1 बाउल नारियल किसा हुआ, काजू बादाम आप स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, और थोड़ा सा घी। चने की दाल को प्रेशर कुकर में डालिए, उसमें ही चावल भी डाल दीजिए जो कि हमने भिगाए थे, और प्रेशर कुकर बंद करके इसे बॉईल होने के लिए रख दीजिए। इसमें हमें पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, अगर ज्यादा हो जाता है तो उसे हमें निकालना पड़ेगा। कम से कम 4 से 5 सीटी इसे होने दीजिए, जिससे कि चने की दाल आराम से गल जाए। देखिए चने की दाल और चावल अच्छे से उबल गए हैं। इसमें हमने चावल डाला है जिससे कि थोड़ा सा चिकना हो जाए। अब इसे हैंड ब्लेंडर से अच्छे से पीस लीजिए। हैंड ब्लेंडर नहीं होगा तो आप मिक्सी में भी इसे पीस सकते हैं, किसी भी चीज में पीसे, पर थोड़ा सा दरदरा रहने दें, एकदम बारीक नहीं करना है इसे। और फिर इसे और हमें फिर से गर्म करना है। इसमें चीनी डाल दीजिए, पीसी हुई चने की दाल और जो चावल हमने पीसा है उसमें चीनी डाल के फिर से उसे उबलने के लिए रख दीजिए। बहुत ज्यादा फ्लेम पे नहीं रखना है हमें, लो मीडियम फ्लेम पे रखिए, जिससे कि इसमें जो ज्यादा पानी है वो बाहर निकल जाए। हमें इसे सुखाना है। देखिए सूखते आया है और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। इसमें इलायची पाउडर भी मिला दीजिए। ये इतना पतला नहीं चाहिए हमें, इसीलिए थोड़ा सा और सुखाना पड़ेगा। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे सुखा रहे हैं तो बिल्कुल लगातार चलाते रहना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए कम आंच पे रहने दीजिए। धीरे धीरे भी पकेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि टेस्ट ज्यादा अच्छा आएगा। देखिए ये इतना गाढ़ा होना चाहिए तभी हम इसे भर पाएंगे, ज्यादा पतला होगा तो भरने में थोड़ी तकलीफ होगी। अब इसमें हम काजू और बादाम के चिप्स निकाल लेंगे। पिस्ता कटर से भी निकाल सकते हैं आप, या फिर चिप्स कटर से भी निकाल सकते हैं। मिक्सी में पीस के डालेंगे तो उतना टेस्ट नहीं आएगा। और नारियल का भी हमने पाउडर ही लिया है, पर वो किसा हुआ है, आप नारियल पाउडर भी ले सकते हैं। अब हम इसे चने की दाल और चावल जो हमने पीसा था उसमें मिला देंगे। हम शाही पूरन बना रहे हैं इसलिए इसमें ये सब ड्राई फ्रूट्स मिला रहे हैं, इसके कारण ही इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। अगर आप सादा पूरन बनाना चाहते हैं तो उसमें ड्राई फ्रूट्स ना डालें। और इसको अच्छे से चला ले और ठंडा होने दे। ठंडा होने के बाद हमें इसे भरने में आसानी होगी। और अब हम तैयार करेंगे पूरन का आटा। डेढ़ कप गेहूं का आटा और 1/4 कप मैदा, और उसमें थोड़ा सा नमक से टेस्ट के लिए, और थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। तेल 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं आप। और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक नरम आटा तैयार कर लीजिए। आटा जितना हमारा पूरन हमने तैयार किया है वो जितना नरम है, उतना ही नरम हमें आटा भी चाहिए। और इसे लगभग आधा घंटा सेट होने के लिए रख दीजिए। और फिर थोड़ा थोड़ा मैदा लगा के छोटी छोटी रोटियां बेलिए, और जो पूरन हमने तैयार किया था ये हमें इसमें भरना है। इसमें आटा बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, जो गेहूं का आटा हमने साना है उसे थोड़ा ही लगाना है, पतली पतली रोटियां बेलनी है। आप इसे चाहे तो हाथ से भी बना सकते हैं।
थोड़ा सा इसे हम बेल लेंगे और पैन को गर्म होने रखेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे ही सेकेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। लो मीडियम फ्लेम रहने दीजिए। थोड़ा सा घी डालिए। हमने क्लेरिफाइड बटर यूज किया है, जिसे कि हम देसी घी भी कहते हैं। आप तेल से भी सेक सकते हैं। इसे दोनों तरफ से सेकना है, तो हमें ध्यान रखना होगा पलटते समय, क्योंकि ये थोड़ा सा नरम होता है तो पलटने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। इसे दोनों तरफ से सेकना है। इसे बहुत ज्यादा बार पलटना नहीं है, एक बार ही पलट के हम इसे सेकेंगे। बार बार पलटेंगे तो ये रोटी टूट जाएगी। थोड़ा सा क्रिस्पी होने दीजिए और फिर पलट लीजिए। और दूसरे साइड से भी घी लगा दीजिए। अगर आपको लगता है कच्ची है तो आप एक बार और पलट सकते हैं, पर ध्यान से ही पलटना है हमें। लीजिए, तैयार है शाही पूरन। और थोड़ा सा घी डाल के इसे सर्व कीजिए। इसे घी के साथ और दूध के साथ ही खाया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सीमा स्मार्ट किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं नमकीन पूरन। आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट लगते हैं। एक कप गेहूं का आटा, 2 से 3 चम्मच मैदा, 1/2 कप चना दाल 2 से 3 घंटे पानी में भीगी हुई, 1/2 कप मूंगफली 2 से 3 घंटे पानी में भीगी हुई, 1/2 टीस्पून राई, 1/4 टीस्पून हींग, 4 से 5 लहसुन की कलियां, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 3 से 4 लाल मिर्च खड़ी और 10 से 12 कड़ी पत्ता, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक और आमचूर स्वाद अनुसार। और इन सभी चीजों को आप अपनी टेस्ट के अनुसार भी ले सकते हैं। कोई मिर्च ज्यादा खाना पसंद करता है और कोई कम। हरा धनिया बारीक कटा हुआ और थोड़ा सा मैदा रोटी को बेलने के समय लगेगा उसके लिए। और कोई भी रिफाइंड ऑयल या फिर घी आप पसंद करते हैं, अगर नमकीन चीजों में, तो आप घी भी यूज कर सकते हैं। कुकर में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के गर्म कर लीजिए। उसमें राई, हींग और लहसुन, जिसे हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, वो डाल दीजिए, जीरा डाल दीजिए और 30 से 40 सेकंड तक कुक हो जाने के बाद उसमें कड़ी पत्ता भी डाल दीजिए और खड़ी वाली मिर्च इसे तोड़ के डालिए। एकदम पूरी की पूरी मत डालिए, नहीं तो ये तेल में फूटती है और एकदम से उड़ती है, इसलिए इसे तोड़ के डालिए और थोड़ी देर चला लीजिए। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डाल के फिर से 30 सेकंड के लिए कुक कर लीजिए। और भीगी हुई चना दाल, उसमें का हमने पानी निकाल दिया है, और मूंगफली, दोनों अच्छे से भीगी हुई थी, 2.5 से 3 घंटे मैंने भिगाया था इसे। और फिर चला लीजिए। अब हमें इसमें पानी और नमक डालना है। ये दोनों फूल जाने के बाद लगभग 2 कप हो गया है, तो अब हम इसमें लगभग 1.5 कप पानी डाल देंगे। 1.5 कप पानी डाल दिया है मैंने इसमें और नमक डाल देंगे और 4 से 5 सीटी तक होने देंगे। भीगी हुई चने दाल और मूंगफली है तो 4 से 5 सीटी में आराम से ये कुक हो जाएगी। कुकर बंद कर दीजिए और 4 से 5 सीटी हो जाने दीजिए और कुकर ठंडा होने के लिए रख दीजिए, पहले मत खोलिए। जब तक ये हमारी कुकर की सीटियां हो रही हैं, तब तक हम आटा तैयार कर लेंगे। आटा, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है मैंने और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डालेंगे और सानते जाएंगे। आप चाहे तो 1 चम्मच ऑयल भी यूज कर सकते हैं। छोटे चम्मच से 1 चम्मच तेल लिया है मैंने और
फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट डो तैयार कर लीजिए। आटा हार्ड नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, और इसे 20 से 25 मिनट तक सेट होने के लिए रख दीजिए, जब तक हम जो हम चना दाल और मूंगफली का हमने तड़का लगाया था सब्जी उसका कुकर खोल के देखेंगे हो गई है कि नहीं। बिल्कुल परफेक्ट चना दाल हो गई है। आप इसे हाथ में लेके दबा के देख सकते हैं ये हो गई है कि नहीं। अगर हो गई है तो इसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए और मिक्सी के पॉट में एकदम बारीक पीस लीजिए। पानी डालने की जरूरत नहीं है इसमें अलग से, पर अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो चने की दाल की सब्जी तैयार की है आपने उसमें बहुत ज्यादा पानी है तो फिर थोड़ा सुखा लीजिए, उसके बाद ही इसे पीसिए। देखिए ये पीस के तैयार हो गई है, थोड़ी गीली लग रही है ये, और अगर इसे सूखी रहेगी तो पीसने में तकलीफ होगी, इसलिए इतनी गीली चाहिए। अब हम इसे सेम पॉट में डाल के थोड़ी देर सुखा लेंगे। इसका जो पानी है थोड़ा खत्म हो जाना चाहिए, हमको भरने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसे 5 से 10 मिनट तक और पका लेंगे, तेल डालने की जरूरत नहीं है इस समय। इसे सुखा लीजिए, इसका पानी खत्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट हो गया है ये। जब ये इतनी इसकी कंसिस्टेंसी दिखने लगे तब आप फ्लेम बंद कर दीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। साथ ही इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाल दीजिए और आमचूर हमने एकदम आखिरी में डाला है, आमचूर पहले मत डालिए नहीं तो टेस्ट चेंज हो सकता है। हमारा आटा फूल के तैयार हो गया है, देखिए आप कितना सॉफ्ट है ये आटा, बिल्कुल इसी तरह का हमें आटा चाहिए। और अब छोटे छोटे लोइयां तैयार कर लीजिए, आपको जितनी बड़ी पूरन चाहिए उतने बड़े तैयार कीजिए। जितनी चने की दाल मैंने बताई है उसमें लगभग 6 से 7 नमकीन पूरन तैयार होते हैं। देखिए मैंने जितना आटा लिया है उससे डबल साइज में मैं ये पूरन का जो स्टफिंग तैयार की है मैंने वो भर रही हूँ। इतना आप भरेंगे तो ये बहुत अच्छी टेस्ट में आएगी। थोड़ा कम भी भर सकते हैं, अगर नहीं भरते आ रहा है तो आप थोड़ा कम भरिए तो भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। भर लीजिए जिस टाइप से मैंने बताया अभी और फिर इसे बेल लीजिए। बहुत ज्यादा पतला मत बेलिए नहीं तो इसका पूरा मसाला बाहर आ जाएगा। थोड़ा मोटा ही रहने दीजिए और साथ ही तवे को गर्म होने के लिए रख दीजिए और इस पे डाल दीजिए और दोनों तरफ से सेक लीजिए। लगभग 30 से 35 सेकंड बाद हम इसे पलट देंगे। एक तरफ से ये हो गई है और थोड़ा सा तेल लगा देंगे। अगर घी पसंद करते हैं तो घी लगा सकते हैं आप, पर हमारे यहाँ नमकीन चीजों में घी बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता है इसलिए मैं इसमें तेल लगा रही हूँ। और दोनों तरफ से इसे सेक लीजिए और दही के साथ या अचार के साथ सर्व कीजिए। जब हम मीठा खा के बोर हो जाते हैं आप इसे बनाइए, ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, या फिर वैसे ही बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। वाह, रेसिपी को ट्राई कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नए रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।